नीट परीक्षा घोटाले को लेकर अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को देशव्यापी आंदोलन किया गया। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य की डॉक्टर मोहन यादव सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। राजधानी के रोशनपुरा चौराहा स्थित जवाहर भवन में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान दिग्विजय सिंह के साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, मुकेश नायक, गोविंद गोयल, अमित शर्मा, जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। देश में भारतीय जनता पार्टी खुद पेपर लीक करवाती है, उसके पदाधिकारी करवाते हैं, उसके नेता करवाते हैं, उसके मुख्यमंत्री और मंत्री करवाते हैं। जो करवाते हैं इसका प्रमाण है एक प्रदीप जोशी, आरएसएस के और एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। 2000 से पहले वो सबसे पहले रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति होती है प्रोफेसर के पद पर। फिर वो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पीएससी के चेयरमैन बनते हैं 2006 में, जब बीजेपी की आदरणीय हमारे शिवराज सिंह जी की सरकार थी। सभी जितने नाम मैंने लिए इसमें से 80% घपले और घोटाले उन्हीं के कार्यकाल में हुए। पीएससी के माध्यम से ये एग्जाम्स होती थी। वही शख्स प्रदीप जोशी फिर छत्तीसगढ़ 3-4 महीने पहले ये पीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा देते हैं और छत्तीसगढ़ के पीएससी के कंट्रोलर चेयरमैन बनते हैं। उसके बाद फिर यूपीएससी देश के इनको चेयरमैन बनाया गया। तब यूपीएससी के जितने कलेक्टर, आईएएस और आईपीएस बने हैं, मैं मांग करता हूं देश में, देश की सरकार से और मीडिया के माध्यम से देश की जनता से, कि जो प्रदीप जोशी जी के टाइम पर जितने यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम हुए, आईपीएस और आईएएस चुने गए, वो भी कहीं कहीं किसी किसी प्रकार से मैनिपुलेशन हुए होंगे, 100% हुए होंगे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसका कारण है कि जहां जहां आदरणीय प्रदीप जोशी जी गए वहां वहां एक लंबी फेरिस्ट इस तरह के घपले और घोटालों की बनती रही। ऐसे घपले और घोटाले होते रहे, ये जांच का विषय है। फिर इन्हीं को यूपीएससी की जो चेयरमैनशिप से बाद 2023 में अगस्त में ये नेट और नीट की एग्जाम के चेयरमैन बनाया गया है, जो इसकी कंट्रोलिंग संस्था है उसके चीफ बने हैं। और उसी के बाद वहां भी पेपर लीक की एक लंबी लाइन सी लगी है, जो आज ताजा पूरे देश में ज्वलंत मुद्दा है। वो करवाने वाले भी उस संस्था के चेयरमैन आदरणीय प्रदीप जोशी जी हैं।